गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 13, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूँ। तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। कुछ आज नए टॉपिक होंगे, थोड़े से रिपीटेड टॉपिक्स भी हैं जिसमें हमारा रिविजन हो सकता है। तो एक तो छोटा सा कोल पावर प्लांट के बारे में टॉपिक है, बिल्कुल 2 मिनट का, इसको थोड़ा देखने वाले हैं क्या है ये। और भैया फाइनली इतने सालों से जो है हंगामा हो रहा है कि इंडिया में चीता आएगा तो आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा, कहां से आएगा, क्या दिक्कत उसके लिए है, क्या वो अच्छा हमारे लिए कर सकता है, बहुत कुछ हो रहा है चीते के आसपास। फाइनली डिसाइड हो गया है कि चीता इंडिया में आ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं। और फिर एक सुप्रीम कोर्ट में केस है कि जिसमें एक एप्लीकेशन वगैरह डाली गई थी पोर्नोग्राफी और सेक्स क्राइम्स को लेके, इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, काफी इंटरेस्टिंग स्टैंड रहा है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर एक थोड़ा सा रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे हल्का फुल्का। फिर CAA केस यानी कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में हल्का सा जानेंगे। आपको सबसे सबको पहले इसके बारे में पहले अच्छे से पता है, हल्का सा कुछ यहाँ पे चीजें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पता कर सकते हैं। हिजाब केस आपको पता है कि पिछले 2 हफ्ते से हम लोग कंटिन्यू इस हिजाब केस वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसको मिस करना चाहिए जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता है। मैंने डिसाइड किया है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका ऐसा लगता है कि सर हिजाब वाला केस काफी बोरिंग हो रहा है, काफी समय से कर रहे हैं, इसको डिसकंटिन्यू कर दो, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। और अगर आप चाहते हो इसको कंटिन्यू करें हम लोग, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो क्योंकि भैया हम तो आपकी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी में आपके ऊपर थोप नहीं सकता, जो आप इंटरेस्टेड हो हम तो वही करेंगे। कंटिन्यू करना है नहीं करना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, जिसकी मेजोरिटी रहेगी उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। G20 इंडिया आज का बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है, क्योंकि इंडिया के पास अभी प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बनने वाला है, इंडिया प्रिजाइड करेगा G20 को, इंडिया G20 के लिए क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता वो सब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। कुछ हम लोग क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और आज कुछ MCQ हम लोगों ने ऐड किए हैं डेफिनेटली, तो हम लोग करने वाले हैं, और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं। बहुत दमदार तो नहीं एडिशनल आर्टिकल, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत जो हम लोग देख सकते हैं। फ्रंट पेज पे क्या न्यूज़ है आज की, पहली न्यूज़ जो है वो ज्ञानवापी जो है मस्जिद को लेके है। पहले इस बारे में हम लोग अच्छी खासी बात कर चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको बेसिक में तो नहीं जाऊंगा। आई होप आई अज्यूम कि आपको शायद बेसिक किसके बारे में पता होगा। तो ज्ञानवापी मस्जिद को कहा जाता है कि ये एक हिंदू टेंपल हुआ करता था, उसको तोड़ के जो है फिर इसको औरंगजेब ने बनवाया, वो सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो बेसिकली अभी जो है बनारस हाई कोर्ट के अंदर ये केस डाला गया है, जिसमें कुछ महिलाओं ने केस डाला है। उनका ये कहना है कि क्योंकि इस मस्जिद के अंदर जो है वो एक हिंदी डेटी है, ठीक है, जो विश्वनाथ जी हैं, जो उनके वहाँ पे जो है उन्होंने कहा है कि भाई शिवलिंग भी वहाँ पे मिला है, तो उनको वहाँ पे पूजा करने का अधिकार दिया जाए, ठीक है, साल भर, थ्रू आउट द ईयर, ये एप्लीकेशन डाली गई है उसके हाई कोर्ट के अंदर। हालांकि जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि नहीं, जो मतलब जो मस्जिद को रिप्रेजेंट करती है वो कमिटी है, उनका कहना है कि ये ऐसा नहीं है, वो सब चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो उसमें अभी जो है बनारस हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है, और उसके बारे में चर्चाएं होंगी, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो एक बड़ा इशू रहने वाला है। तो फिलहाल हम इस के बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास जो वर्शिप एक्ट है 1991, वो तो ये कहता है कि भाई जो स्टेटस है 1947 से पहले, उस स्टेटस को चेंज नहीं किया जा सकता। वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, मंदिर है तो मंदिर रहेगा, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा। अब उस आर्टिकल जो मतलब हमारे पास एक्ट है 1991 वाला, उसकी जो सैंक्टिटी के ऊपर भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या उसका स्टेटस चेंज किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, बहुत सारे सवाल है यहाँ पे। कम्युनल हारमनी का सवाल है, सेकुलरिज्म का सवाल है, कानून का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, फेथ का सवाल है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है सुप्रीम अभी कोर्ट के सामने है। तो डेफिनेटली ये मामला हाई कोर्ट में गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बहुत लंबा खींचने वाला है डेफिनेटली, अभी बाद में बात करेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर आज हम लोग अलग से ट्यूटोरियल करने वाले हैं, पार्ट पढ़ेंगे इसको हम लोग, और ये जो CA वाला है इसको भी मैं अलग से आपको करवाऊंगा मेन टॉपिक्स के अंदर। तो आज का जो पहला जो टॉपिक है उस पर आगे जाने से पहले बता देता हूँ कि हमारी 11 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है NCERT की। काफ़ी सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है और क्लासेस करने में बहुत मजा आ रहा है। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता अभी आपको डिले करना चाहिए। NCERT का कोर्स स्टार्ट हो चुका है फुल फ्लेज तरीके से, हर NCERT वो करवाई जाएगी बहुत अच्छे से डिटेल में, क्योंकि UPSC की तैयारी आप अपने बेसिक्स क्लियर किए बिना नहीं कर सकते, और NCERT से बढ़िया बेसिक्स आप कहीं भी कवर नहीं कर सकते हो। देखिए खुद से NCERT पढ़ने एक अलग बात होती है, एक टीचर जिसको UPSC का एक्सपीरियंस होता है वो आपको UPSC के परस्पेक्टिव से NCERT पढ़ाता है, दोनों चीज़ों में काफ़ी फर्क होता है। तो अगर किसी को एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए क्लिक करिए और फिर हम लोग सीधा क्लास में मिलेंगे। अभी पॉलिटिक्स NCERT चल रही है, ठीक है, फिर बाद में ज्योग्राफी चलेगा, हिस्ट्री चलेगा, सब NCERT हम आपकी वहाँ पे कवर करवाने वाले हैं बढ़िया तरीके से, चलिए ठीक है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट कोई भी एस्पिरेंट वीडियो को बिना लाइक करे आगे नहीं जाएगा,
वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, उसके अलावा जिस टाइम पे भी आप एनालिसिस देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ठीक है, जब भी, तो कम से कम एक अटेंडेंस लगा दिया करो यार, है ना। मुझे पता चलता रहेगा कितने एस्पिरेंट है जो लगातार एनालिसिस देखते हैं। कोई समस्या हो अपनी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए जी, पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं, ज्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो पहला टॉपिक ये कहता है कि एक स्टडी हुई है, एक सर्वे हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई 2032 तक, मतलब अगले 10 साल में इंडिया को जो है 28 गीगावाट नए कोल फायर्ड प्लांट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। देखिए हेडिंग कितनी जबरदस्त है, एक हेडिंग सब कुछ कह देती है। मतलब इसके अंदर हम लोग क्या क्या ढूंढ सकते हैं हेडिंग के अंदर। पहली बात तो ये कि भैया 2032 इंडिया में एनर्जी डिमांड बढ़ने वाली है, पहला तो ये कह रहा है ये हेडिंग। दूसरा ये कह रहा है कि इंडिया में जो भी एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं वो हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें फ्यूचर में और ज्यादा कोल पावर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है। देखिए पावर तो दूसरे तरीके से भी जनरेट हो सकती है, सोलर से भी जनरेट हो सकती है, विंड से भी हो सकती है, वाटर से भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे कोल का नाम क्यों लिया है? क्योंकि दूसरे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं शायद उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आने वाले 10 सालों में हमारी डिमांड को पूरा कर सके, इसीलिए जो है यहाँ पे फोकस जो है कोल फायर प्लांट के ऊपर किया गया है। तो ये एक हेडिंग को अगर आप समझने की कोशिश करो तो बहुत कुछ कह दिया है एक हेडिंग। तो बस थोड़ा सा इन्होंने वही कहा है कि भाई आने वाले 10 सालों में इंडिया में जो एनर्जी डिमांड है वो डबल होने वाली है, तो वही आने वाले फ्यूचर में अगर डिमांड फुलफिल करनी है तो नए प्लांट्स आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि विंड सोलर वगैरह की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कोल वाला। क्योंकि देखिए क्या रहता है ना, कोल के ना कुछ एडवांटेज होते हैं, कोल पावर प्लांट लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, दूसरी बात सस्ता पड़ता है, तीसरी बात इसके लिए हमें बाहर से कुछ इंपोर्ट करना नहीं है क्योंकि इंडिया में खुद कोल बहुत सारा है, चौथी बात इंडिया इससे काफी फैमिलियर है, इतने सालों से यूज कर रहे हैं तो कोई नई टेक्नोलॉजी आपको बहुत ज्यादा लेके आनी नहीं है। तो कोल के बहुत बेनिफिट होते हैं। कोल का सिर्फ ये एक नुकसान होता है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत ज्यादा एमिट करता है, ये सबसे बड़ा नुकसान है इसका। अगर हम लोग इस चीज का सॉल्यूशन निकाल लें ग्रीन हाउस का, तो मेरे ख्याल से कोल से बेटर आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, राइट। एक कोल का नुकसान ये हो सकता है कि जहां पे कोल माइंस होती हैं वो ज्यादातर ट्राइबल एरियाज होते हैं, इंटीरियर एरियाज होते हैं, तो उनकी इकोलॉजी वगैरह बर्बाद हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, वो एक अलग मुद्दा है। तो फिलहाल इन्होंने ये कहा है कि भाई इंडिया में जो है कोल की डिमांड बढ़ने वाली है, इवन पूरी दुनिया में कोल की डिमांड बढ़ने वाली है पावर की। आपने जर्मनी में देखा, जर्मनी में जो कोल पावर प्लांट बंद कर दिए थे उन्होंने पिछले कुछ सालों में, उन भाई उन्होंने दोबारा ओपन कर दिए हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, राइट। हर जगह पे वही हो रहा है। तो इनका कहना है भाई 27 तक अगले 5 सालों में जो एनर्जी की डिमांड है वो 7.2% की ग्रोथ हो जो है वो होने वाली है। और इनका ये भी कहना है कि भाई आने वाले समय में 2027 तक इंडिया में जो कोल जनरेटेड जो पावर है उसका ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 60% से कम हो जाएगा, मतलब 40% हम ग्रीन हाउस गैसेस से जो है करने वाले हैं। हमारा टारगेट जो है वो 2030 के तक का कितना है, 500 गीगावाट का टारगेट है, ये इंडिया का INDC भी है। और जो पंचामृत की बात करते हैं, पंचामृत में भी हम इसको इंक्लूड करते हैं। हालांकि इंडिया दुनिया का जो है थर्ड जो है लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, जो कि तीसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन जब पर कैपिटा की बात करते हैं तो इंडिया अभी भी बहुत नीचे है। भाई पॉपुलेशन इतनी है तो पर कैपिटा में तो ऑफकोर्स हम लोग नीचे रहेंगे ही। तो ये इन्होंने कुछ कुछ चीजें कही हैं। देखिए और इन्होंने ये कहा है कि भाई देखो कोल पावर प्लांट लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इंडिया में एक्चुअली 26 कोल पावर प्लांट जो है वो अभी प्रोजेक्ट में है और वो होने वाले हैं, कभी भी शुरू हो सकते हैं, प्रपोजल है उनका। तो इनके अंदर जो है आप ना क्लीन टेक्नोलॉजी मतलब कार्बन कैप्चर जिसको बोलते हैं, एक कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी होती है जिसमें जो फर्नेस होते हैं यहाँ से जो कार्बन रिलीज होती है इसको हम कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर करने के बाद उसको कहीं स्टोर कर सकते हैं या किसी और दूसरे काम में यूज कर सकते हैं। तो कोल पावर प्लांट लगाने में दिक्कत नहीं है, समझो इस बात को, अगर हम उस कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं। अगर वो कैप्चर कार्बन एटमोसफेयर में नहीं जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो वो और लेकिन समस्या ये है कि वो टेक्नोलॉजी काफी महंगी आती है। तो अगर हम कोल का पावर प्लांट लगाते हैं और वो कार्बन कैप्चर वाली टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। अल्टीमेटली वो खर्चा किसके ऊपर पड़ता है, कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। कंज्यूमर बेचारा पहले से मारा हुआ पड़ा है, कोविड में उसके पास वैसे इनकम नहीं है, जॉब उसकी चली गई है, तो कहां से इतनी महंगी बिजली खरीदेगा। समस्याएं बहुत सारी हैं, ठीक है। और सरकार के पास भी लिमिटेड सी कैपेसिटी होती है, तो हमेशा सरकार भी नहीं कर सकती ना कुछ, हर जगह सब्सिडी नहीं दी जा सकती ना, तो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो जाता है। तो खैर क्या सॉल्यूशन रहेगा वो इंटरेस्टिंग है। तो भैया फाइनली इंडिया में जो है आने वाला है चीता, ठीक है। और एक्चुअली चीता अभी एक दो दिन के अंदर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं शायद कल आ जाएगा। और कुछ दिन के उसको हम लोग क्वारंटीन में रखेंगे थोड़े दिनों तक, क्वारंटीन में जाने के बाद फिर वो प्रॉपर उसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा।
तो ये तो है पूरी बात, फ्राइडे को आ जाएगा। आज क्या, आज है ट्यूसडे हो गया, फ्राइडे को आ जाएगा। कहाँ पे आएगा? वो आएगा जयपुर में, ठीक है, जयपुर में लैंड करने वाला है। पहली बात है, तो अब ये समझने की जरूरत है। आठ चीता लाएंगे, एट चीता आएंगे, कहाँ से आएंगे? नामीबिया से आएंगे। भाई ये चार्टर्ड फ्लाइट में आएंगे, ऐसे छोटे मोटे की हल्के में मत लेना, कैसे शिप में जो है कहीं भी डाल के पिंजरे में ले आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। चार्टर्ड फ्लाइट लगाई गई इनके लिए स्पेशली, जयपुर में लैंड होगी। उसके बाद हेलीकॉप्टर से उनको क्यूनो नेशनल पार्क में ट्रांसफर किया जाएगा। तो एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट है, वीआईपी ट्रीटमेंट तो होना ही है ना। जो चीज कम होती है वो वीआईपी अपने आप ही हो जाती है। और मजेदार की बात यह है कि भाई मोदी जी का जन्मदिन है 17 सितंबर को, ठीक है, उस दिन इनको रिलीज किया जाएगा जंगल के अंदर। तो मोदी जी को जो है गिफ्ट भी मिल रहा है कहीं ना कहीं, एक तरह से समझ लीजिए। अरे बर्थडे हो तो ऐसा हो कि भाई सीधा अफ्रीका से चीता आ रहा है बर्थडे गिफ्ट के लिए, एक हमारे जैसा बर्थडे होता है, हमारे फैमिली वाली हमें जो है यू नो भूल जाते हैं सही वो करना, बधाइयाँ देना भूल जाते हैं। कहाँ भाई मोदी जी का जन्मदिन है, चीता गिफ्ट हो रहा है, तो बड़ी बात है, बड़े लोग बड़ी बातें। तो पहले चीता यहाँ पे आएगा, उसके बाद वो थोड़े दिन क्वारंटीन रखा जाएगा एक महीने के लिए, ठीक है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। और ऐसी जगह पे छोड़ा जाएगा जहाँ पे प्रीडेटर्स नहीं है, प्रीडेटर्स समझ रहे हो, शिकारी नहीं है, तो जहाँ पे चीतों का शिकार नहीं होगा वहाँ पे रखा जाएगा। और इनके खाने के लिए बहुत सामान है वहाँ पे, ठीक है, बहुत सामान है खाने के लिए। चीतल है, सांबर है, नील गाय है, वाइल्ड पिग है, चौसिंगा है, लंगूर है, भाई बहुत कुछ एकदम बढ़िया खाने का पीने का जुगाड़ इनका किया गया है। इवन जहाँ पे इनको रिलोकेट किया जाएगा वहाँ पे ना 5 लेपर्ड भी थे। अब लेपर्ड और चीता एक जगह पे नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे इंडिया में जो लेपर्ड है उसने चीता जिंदगी में कभी देखा नहीं है, उसके लिए तो बिल्कुल नया एनिमल है ये, उसको तो पता ही नहीं है क्या करता है। तो दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, एक दूसरे को मार काट खाएंगे। तो इसलिए वहां से लेपर्ड को थोड़ी दिन के लिए रिलोकेट कर दिया है। आने वाले कुछ सालों में जो है धीरे धीरे हम वहां पे लेपर्ड को छोड़ देंगे। तो ये है पूरा का पूरा मामला, और ये मामला आज का नहीं है, इसको मैं इतनी बार आपको करवा चुका हूँ चीता के बारे में। तो ये सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको कंटेंट डाला है। और अगर आप प्लेटफॉर्म पे नए नहीं हो, पुराने एस्पिरेंट हो हमारे, तो आपके पास ये पहले से कंटेंट बहुत अच्छे से होगा। अगर आप नहीं हो, पहली बार आए हो, तो इस कंटेंट को आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। मैंने सारी डिटेल यहाँ पे डाल रखी है, चीता की हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक क्या क्या इशू हो रहा था, सब कुछ मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट है, बार बार रिपीट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स पेटिशन लिंकिंग पोर्नोग्राफी टू द सेक्स क्राइम। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने पीआईएल डाल दिया, एप्लीकेशन डाल दिया, कहने लगे कि सर जो सेक्स क्राइम बढ़ रहे हैं ना, वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग पोर्न मूवीज देख के जो है पोर्नोग्राफी से इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सेक्स क्राइम हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में उनको डांट लगा दी, कहा कि भाई ऐसे बात तो नहीं है, है ना। विदेशों में अगर आप चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पोर्नोग्राफी वहां पे भरपूर चलती है, राइट, वहां पे तो सेक्स क्राइम नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो। इंडिया में भी जब तक इंटरनेट नहीं था, पोर्नोग्राफी का ट्रेंड नहीं था, तो क्या इंडिया में सेक्स क्राइम नहीं होते थे? होते थे, बल्कि प्रूफ तो ये कहता है कि अगर हम लोग पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो इंडिया में सेक्स क्राइम कम हो रहे हैं पिछले 20 सालों में। तो ये कहना गलत है कि भाई पोर्नोग्राफी से सेक्स क्राइम बढ़ते हैं, तो क्या पहले सेक्स क्राइम नहीं होते थे? क्या होते थे? इन्होंने कहा कि भाई सर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो है केसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द पोर्नोग्राफी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो अपने आप में एक सेपरेट क्राइम है ना, तो उसको तो हम उसके हिसाब से डील करेंगे और केस टू केस बेसिस पे जो है वो चेक किया जाएगा कि। और वैसे बहुत सारी स्टडी और सर्वे हो चुकी हैं जिसमें जो भी आदमी सेक्स क्राइम करता है, पहली बात तो वो फैमिली से ही होता है, 99% वो आदमी 95% फैमिली मेंबर ही होता है, कोई रिश्तेदार, भाई बहन, है ना, मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि भाई वो बिल्कुल भी पोर्नोग्राफी से बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं थे, वो उनके दिमाग का कचरा होता है, वो सारी चीज़ें की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखो आपकी इस एप्लीकेशन के चक्कर में हम लोग, हम जनता के ऊपर सर्विलियंस नहीं कर सकते हैं, है ना, कि भाई चेक करो कौन पोर्नोग्राफी देख रहा है, है ना, हम लोग ये नहीं कर सकते। तो सर्विलियंस करना तो आपका राइट टू प्राइवेसी का वैसे ही उल्लंघन हो जाता है। हाँ, अगर कोई केस आता है, सेक्सुअल क्राइम का केस आता है, चाइल्ड सेक्सुअल क्राइम का केस आता है, तो उस केस टू केस बेसिस पे हम लोग जरूर देख सकते हैं कि भाई ये पोर्नोग्राफी से इंस्पायर्ड है कि नहीं है। लेकिन पूरी तरह से रिलेट करना और सरकार को यह कहना कि लोगों के मोबाइल फोन, लोगों के लैपटॉप को सर्विलियंस कर दो, कौन पोर्नोग्राफी देख रहा है, वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है। और दुनिया भर में ऐसे बहुत सारी स्टडी सर्वे हो चुके हैं जो कहते हैं कि भाई पोर्नोग्राफी का ऐसा सेक्स क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। और लाखों करोड़ों में कोई एक केस हो जाता है तो इससे आप पूरे जो है उसको नहीं ब्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है उनका कहना है। बाकी आप अपने विचार जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्या आपको लगता है कि पोर्नोग्राफी का सेक्स क्राइम से रिलेशन है या नहीं है। तो यूरोप का एग्जांपल हमारे सामने है, जब तक इंडिया में इंटरनेट नहीं था तब भी सेक्स केसेस हुआ करते थे, क्राइम्स आज भी होते हैं,
जहां जिन एरियाज में इंटरनेट नहीं है, ठीक है, जहां पे इंटरनेट की यू नो पेनिट्रेशन नहीं है, वहां पे भी सेक्स क्राइम्स होते हैं। तो ये तो थोड़ा सा इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिपेंड करता है, बाकी जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ओपिनियन बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मैंने आपको बता दिया है। तो भैया इन्फ्लेशन जो है दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है। आपको पता है कि पिछले 34 मंथ से इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा का मतलब होता है 6% से प्लस थी, और 6% जो है अपर लिमिट होती है आरबीआई की। तो 6% से ज़्यादा जब इन्फ्लेशन होते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी, और जब 2% से नीचे जब इन्फ्लेशन हो जाते हैं दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो बहुत ज़्यादा महंगाई और बहुत कम महंगाई दोनों खराब होती हैं, बीच का बैलेंस बनाने के चलने की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी जो है थोड़ा बहुत चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हुई थी, लेकिन फिर से 7.62% हो गया है इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ मैं, होलसेल इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब किसकी बात है, जो कि कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है, सीपीआई की बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर्स के मैन्युफैक्चरर्स के लिए होता है, ठीक है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपको पता है 40% के आसपास वेटेज किसका होता है, फूड का होता है एंड फ्यूल होता है, और ये दोनों चीज़ आजकल भैया बहुत ज़्यादा ही महंगी हो रखी हैं, इसीलिए सीपीआई ऑल ओवर इतना महंगा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसके ऊपर पड़ता है, देखिए अमीर आदमी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, उसके पास पैसा होता है, वो तो 20 रुपये लीटर जो है 40 रुपये लीटर दूध भी खरीद सकता है, 50 रुपये लीटर भी खरीद सकता है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है, गरीब आदमी को पड़ता है, राइट। क्योंकि गरीब आदमी की जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर होता है वो फूड के ऊपर होता है, और फूड ही अगर महंगा हो जाएगा तो भैया गरीब आदमी के बेचारे की पहले इनकम कम थी, आपने उसके ऊपर वैसी वजन डाल दिया, सबसे ज्यादा नुकसान इनका होता है जो कि लोअर इनकम सेगमेंट होता है। कोविड की वजह से पहले भी लोगों के पास काम धंधा नहीं था, है ना, इधर उधर चीज़ें खराब हो रही हैं। तो ये कुछ इस आर्टिकल में बेसिक चीज़ें कही गई हैं। रूरल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, जो कि थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अर्बन इन्फ्लेशन में तो फिर भी अर्बन एरियाज में लोगों के पास ठीक ठाक सा पैसा होता ही है एज कम्पेयर टू रूरल इन्फ्लेशन। तो वो इन्होंने कुछ कुछ यहाँ पे कहा है, बाकी यूक्रेन क्राइसिस, वीट क्राइसिस, फ्लावर क्राइसिस, वो एक फर्टिलाइजर है ना, वो उसे कुछ रीजंस हो सकते हैं। ये पुराना कंटेंट है, काफ़ी पहले मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था अपनी क्लासेस के अंदर, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में हल्का सा मैंने डाल दिया है। जो इन्फ्लेशन होता है नेशनल जो स्टैटिस्टिकल ऑफिस है बेसिकली वो इसको जो है रिलीज करता है सीएसओ के अंडर में जो आता है, ठीक है। तो दो तरह का होता है हमारे पास, एक WPI होता है, एक CPI होता है, ये आपको पता ही है। इसका जो CPI का जो बेस रेट बेस ईयर होता है वो 2012 होता है, पहले 2004-05 हुआ करता था, फिर बाद में इसको हम लोगों ने अपडेट कर दिया। 2014 से पहले जो WPI हुआ करता था वो इंडिया का जो है ऑफिशियल इन्फ्लेशन इंडेक्स हुआ करता था, फिर बाद में 2014 में RBI ने इसको चेंज कर दिया। और हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है RBI की, वो एक्चुअली CPI को ही जो है स्टैंडर्ड इंडेक्स मानती है, इसके बेसिस पे ही अपनी रिवर्स रेपो रेट वगैरह सब चेंज करती है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। लेकिन CPI कोई एक नहीं है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है अलग अलग तरह का होता है। हमारे पास इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग होता है, एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए अलग होता है, रूरल लेबरर्स के लिए अलग होता है ना, सबके लिए अलग अलग होता है। और इन सब को जो है वो किसी को जो है लेबर ब्यूरो, किसी को NSO जो है इसको रिलीज करता है। यहाँ से UPSC में बार बार सवाल पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए 2010 में यहाँ से क्वेश्चन आया है, 2020 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, और बीच में जो है कुछ ना कुछ सवाल यहाँ से आते ही रहते हैं। स्टेट PCS में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो आपके सामने क्वेश्चन है 2010 वाला, स्क्रीन को पॉज करिए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, नीचे कमेंट सेक्शन में आपने मुझे आंसर बताना है। ये 2020 का क्वेश्चन है, लास्ट लास्ट ईयर ही आया था, तो ये भी CPI WPI के बारे में ही है। ध्यान से पढ़िए, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे बताइए, कल इसका आंसर मैं आपको दूंगा। कल जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्वेश्चन, उसका आंसर आपको बता देता हूँ। 2017 का UPSC का क्वेश्चन था वो। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है टू ओनली, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता, ठीक है। तीस्ता इज फर्दर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। एक्चुअली व्हाट हैपेंड अर्लियर, तीस्ता यूज टू बी अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, बट देन देयर वाज अ लार्ज स्केल अर्थक्वेक, तो उस अर्थक्वेक की वजह से जो है तीस्ता एक्चुअली चेंज्ड इट्स कोर्स, देन इट बिकेम अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, अर्लियर इट वाज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। तो 1850s में कुछ अर्थक्वेक वगैरह आया था, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई थी। तो ये तो था थोड़ा सा कल वाले क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है CAA पेटिशन टू बी हर्ड ऑन October 30। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दिया है, क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से सारी चीजें खराब हो गई थी। तो पिछले 2-2.5 साल से कोविड की वजह से ये जो CAA के जो केसेस थे वो सुनवाई नहीं हो रही थी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी है कि भैया 31 तारीख को हम लोग आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम आपको पहले अच्छे से पता है, सीए क्या है ये आपको अच्छे से पता है, कि जो जो बेसिकली जो तीन कंट्री हैं
ठीक है, आपके पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटीज हैं, ठीक है, अगर उनका रिलीजियस परसिक्यूशन होता है तो वो इंडिया में आ सकती हैं और उनको यू नो सिटीजनशिप यहाँ पे दिया जा सकता है। तो बेसिकली ये सीए ये कहता है, ठीक है। इंडिया में सीए हर जगह इक्वली एप्लीकेबल नहीं है, तो जो ट्राइबल एरियाज हैं आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में, यहाँ पे सीए लागू नहीं होगा, ये आपको पता है। हालांकि अब तक सीए ग्राउंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ है, कानून पास हो चुका है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी हो चुके हैं, एक्ट बन चुका है, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पे रियलिटी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? देखिए, कानून पास करने का अलग बात होती है, कानून पास करने के बाद एक आता है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो वो एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होता है, उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। तो जब तक रूल्स नहीं बनते, जब तक कोई भी कानून चाहे वो पास हो जाए, वो एप्लीकेबल नहीं होता है। रूल बनाना जरूरी है। रूल कौन बनाता है? एग्जीक्यूटिव बनाता है। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो भी कानून पास होते हैं ना, वो कानून जो है सिर्फ स्केलेटन की फॉर्म में होते हैं, ऊपर ऊपर तौर पे होते हैं, ग्राउंड के ऊपर एक्चुअली में क्या होता है वो बाद में डिसाइड किया जाता है। तो क्योंकि इसका कोई एग्जीक्यूटिव रूल अभी बने नहीं है, तो एक्चुअली सीए ग्राउंड के ऊपर अभी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को जिनको सीए से प्रॉब्लम है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफी समय से केस डाला हुआ था। केस क्या क्या आपको अच्छे से पता है। इनका कहना है कि भाई देखिए, इससे क्या होगा, इससे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं अदर देन मुस्लिम्स इंडिया में जो है उनको एंट्री मिल गई है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई हमें इलीगल माइग्रेंट लेके नहीं आने हैं, एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि इलीगल माइग्रेंट्स का इंडिया में वेलकम नहीं है, दूसरी तरफ से आप जो है उनको वेलकम कर रहे हो, इवन आपको उनको सिटीजनशिप दे रहे हो। तो ये तो हमारे जो सेकुलरिज्म, इक्वालिटी और डिग्निटी के अगेंस्ट में हो गया है ना। दूसरी बात, आप धर्म के नाम पे जो है क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? तो क्या ये सेकुलरिज्म वैल्यू के खिलाफ नहीं है? ऑफ कोर्स है। आपने सिर्फ मुस्लिम्स को अलाउ नहीं किया, बाकी सबको अलाउ कर दिया, ये क्या बात हुई? दूसरी बात, इन्होंने ये कहा एक मुस्लिम जो माइग्रेंट आता है इंडिया में, उसको 11 साल लगते हैं इंडिया में रेजिडेंसी प्रूफ देने के लिए, जिसके बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम होगा वो सिर्फ 5 साल में जो अप्लाई कर सकता है। भाई ये क्या बात हुई, ये इसमें कहाँ इक्वालिटी है, आप हमें ये बताइए। तो ये कुछ कुछ सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट जो इनको सरकार को पूछ रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट से क्या डिसीजन लेता है, देखो वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है ना। हम तो सिर्फ आपको इतना ही बता सकते हैं कि ये मामला इस समय यहाँ पे चल रहा है, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे आगे क्या करता है। ठीक है जी, चलिए। बर्डन ऑन द जस्टिफाइंग हिजाब बैन रेस्ट ऑन द स्टेट, ये आर्टिकल हम लोग काफी समय से लगातार ट्रैक कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा इसमें बता देता हूँ। तो जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, जो इनको हिजाब के लिए यू नो मना किया गया था स्कूल में जाने के लिए, उनके जो लॉयर हैं उन्होंने क्या यहाँ पे आर्गुमेंट दिया है, उनका आर्गुमेंट ये है, देखो सरकार का आर्गुमेंट ये है कि हम आपको हिजाब के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हिजाब जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आना चाहिए वैसे तो, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट राइट तो नहीं है, क्योंकि कोई भी फंडामेंटल एब्सोल्यूट राइट नहीं होता। उन एब्सोल्यूट राइट के ऊपर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जिनके बेसिस पे आपके एब्सोल्यूट राइट, आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है। जैसे कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द फॉरेन स्टेट्स, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, होता है ना, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो आपको पता होगा। इन सारे बेसिस पे आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है। अब इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई आप ये बताइए कि हिजाब पहनने से क्या हमारी सोवरेनिटी के ऊपर खतरा होता है, क्या हमारी इंटीग्रिटी के ऊपर खतरा होता है, क्या दूसरे देशों से हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप खराब होते हैं, क्या पब्लिक ऑर्डर खराब होता है, क्या खराब होता है जिसके बेसिस पे आप इसको बैन कर रहे हो, ये तो बताओ। आपने ठीक आपने आर्टिकल 19 का हवाला दे दिया, लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर तो ये सारी चीजें होती हैं, तो क्या हिजाब पहनने से ये होता है? अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर आप इसको हटाइए। ये उनका आर्गुमेंट है। और भी कई छोटे छोटे आर्गुमेंट इन्होंने दिए हैं। एक आर्गुमेंट ये दिया गया है कि आपने हिजाब बैन कर दिया, अब हिजाब बैन करने के पीछे जो जस्टिफिकेशन दिया है वो हमारे ऊपर उसका बर्डन नहीं है, स्टेट के ऊपर बर्डन है। स्टेट ये बताएगा कि हमें रीजन से बताए कि आप क्यों इसको कर रहे हो, बैन क्यों कर रहे हो, ये हमारा काम नहीं है। इन्होंने ये कहा कि भाई जो यूनिफॉर्म है स्कूल कॉलेज वगैरह में क्यों लगाई जाती है, ताकि सभी के अंदर जो है बराबरी बनी रहे, इसलिए तो लगाई जाती है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि पर्पस ऑफ यूनिफॉर्म इज नॉट टू इरेज द इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ना आपने यूनिफॉर्मिटी ले आए कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में भी बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते होंगे, तो क्या इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई थी क्या? नहीं हुई थी, पता चल जाता है देख के, बात करके।
इनका ये कहना है कि भाई इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म नहीं करना है, क्योंकि हमारा मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। यहाँ पे हम बच्चों को यूनिफॉर्मिटी नहीं सिखाते हैं कि सब एक जैसे हैं, यहाँ पे हम लोग ये सिखाते हैं कि जो भी जैसा है उसको वैसे ही अकोमोडेट करो, उसकी वैसे ही रिस्पेक्ट करो, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करोगे। ये है इंडियन इथोस। इंडियन इथोस ये नहीं है कि सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे पॉसिबल ही नहीं है, डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी है, उसकी रिस्पेक्ट करिए, वो आपकी डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट करेगा, आप उसकी डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट करिए, ये होता है। तो जो भी आपका रिलीजियो कल्चरल आइडेंटिटी है आप उसको बरकरार रखिए, दूसरे लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, जो दूसरे लोगों के रिलीजियो कल्चरल आइडेंटिटी है आप उनको रिस्पेक्ट करिए, तभी तो सोसाइटी चलती है ना। आप ये नहीं कह सकते दूसरों को तुम मेरे जैसे हो जाओ, दूसरे आपको ये नहीं कह सकते कि तुम मेरे जैसे हो जाओ। अगर मैं नॉन वेजिटेरियन तो मैं आपको ये फोर्स नहीं कर सकता कि आप भी नॉन वेजिटेरियन बन जाओ, है ना, क्या घास फूस खा रहे हो। अगर मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं दूसरे को ये फोर्स नहीं कर सकता कि यार तुम क्या मांस मच्छी खा रहे हो, तुम वेजिटेरियन बन जाओ। भाई वो आपकी प्रैक्टिस अब करिए, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस है मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, जियो और जीने दो, है ना। ये बेसिकली जो है यहाँ पे इन्होंने घुमा फिरा के यही बात कही है, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे और क्या यहाँ पे आर्गुमेंट आते हैं फ्यूचर में, सरकार क्या आर्गुमेंट देती है, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा इस टॉपिक को। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है हमें ट्रैक करना चाहिए क्योंकि काफी थॉट प्रोसेस डिवेलप कर सकता है ये हमारी टॉपिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बाकी आपको लगता है इसको डिसकंटिन्यू करना है, काफी ज्यादा हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो भाई G20 के बारे में सवाल है। वैसे तो आपको बता दूं कि जो सितंबर का महीना है इंडिया के लिए काफ़ी एक्साइटिंग रहा है, बहुत चीज़ें हुई हैं जियो पॉलिटिक्स में सितंबर के महीने में इंडिया के परस्पेक्टिव से। देखिए 5-6 तारीख को तो जो है वो कोड की सीनियर लेवल की मीटिंग हुई थी, है ना, ये हुआ था। फिर उसके बाद जो है सितंबर 8 को हम लोगों ने जापान के साथ 2+2 मीटिंग किया, तो ये भी सितंबर में हुआ। अभी 15-16 सितंबर को जो है वो समरकंद के अंदर SCO की मीटिंग होने वाली है, ठीक है। SCO की मीटिंग में क्या होगा, फिर व्लादिमीर पुतिन जी के साथ जो है मोदी जी मुलाकात करेंगे। SCO की मीटिंग में जो है मोदी जी है वो जी जिनपिंग के साथ ही मुलाकात करेंगे। पिछले 3 सालों में इनकी ये पहली मुलाकात है जब से लद्दाख के अंदर केसेस हुए हैं, तो भैया फेस टू फेस बात करेंगे तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसी वजह से डिसएंगेजमेंट भी चल रही है लद्दाख के अंदर, एक दो पॉइंट को छोड़ दें तो मैक्सिमम चीज़ें अभी वहाँ पर सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। ये हुआ सेप्टेम्बर के अंदर। और क्या होगा, SCO की जो प्रेजिडेंसी है वो इंडिया के पास आने वाली है, ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इंडिया उसका प्रेसिडेंट बनने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंटशिप है वो भी इंडिया में दोबारा से आने वाली है दिसंबर 2022 में। तो 2022 में काफ़ी कुछ होने वाला है, सितंबर में ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ी घटना होने वाली है जियो पॉलिटिक्स में इंडिया के परस्पेक्टिव से, वो है दोस्तों प्रेजिडेंसी ऑफ G20। जो आपको पता है कि G20 क्या है, 20 कंट्रीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री आती हैं। फिलहाल जो है इसका प्रेसिडेंट कौन है, वो है इंडोनेशिया, तो इसकी मीटिंग हुई थी बाली के अंदर। तो अभी जो है December 1st से 2022 से लेकर November 30 तक इंडिया इसका प्रेसिडेंट रहने वाला है। तो जो भी कंट्री G20 की प्रेसिडेंट बनती है वही कंट्री उसकी मीटिंग्स का एजेंडा फिक्स करती है। तो इंडिया के हाथ में भैया क्या एजेंडा रहने वाला है, तो इंडिया यहाँ पे एक सेंटर स्टेज बन के उभरेगा, ठीक है, ग्लोबल एजेंडा में क्या क्या बातचीत वहाँ पे होगी तो इंडिया डिसाइड करेगा। G20 बहुत बड़ा ग्रुप है, दुनिया के 80% GDP और 75% इंटरनेशनल ट्रेड, 60% पॉपुलेशन जो है G20 के अंदर आती है। इतने बड़े ग्रुप की प्रेजिडेंसी इंडिया करेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो जाती है, बहुत हाई प्रोफाइल इवेंट होने वाला है। तो G20 में हमारे पास डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं, है कि नहीं। यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हमारे पास हो गया, चाइना वाला एंगल हमारे पास हो गया, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो आ रहे हैं, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, रिसेशन, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, दुनिया भर की चीज़ें हैं। इंडोनेशिया के पास पिछले साल प्रेसिडेंसी थी तो उन्होंने कई मुद्दों के ऊपर फोकस किया था, जैसे उन्होंने हेल्थ केयर के ऊपर फोकस किया, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर फोकस किया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस किया। तो इन चीज़ों को भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें इंडिया कुछ नई नई चीज़ें जो है जोड़ सकता है। इंडिया की बड़ी यूनिक पोजिशन इसीलिए है क्योंकि देखिए G20 में अभी 2 ग्रुप हैं, एक जो वेस्टर्न ग्रुप है, एक ईस्टर्न ग्रुप है। तो इंडिया दोनों के साथ ही, इंडिया की भैया अब अच्छी पटती है, वेस्टर्न के साथ हमारा जो है कोड चलता है, ईस्टर्न वालों के साथ हमारा SCO चलता है, तो इंडिया जो है वो दोनों के बीच में खड़ा हुआ है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बारे में। तो हमारे पास क्या हो सकता है, हम क्या स्टैंड वहां पे लेंगे, कैसे उन दोनों के बीच में हम लोग एक ना समझौता करवा सकते हैं, इंडिया यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, राइट।
उसके अलावा क्या है इंडिया को, और बहुत सारे रीजनल इश्यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं, इकोनॉमिक रिकवरी कैसे करनी है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेके, जो COVID-19 के पेटेंट वेवर है उसके बारे में इंडिया बहुत सारी बातें वहाँ पे कर सकता है, टेररिज्म के बारे में इंडिया वहाँ पे बहुत सारी बातें कर सकता है ना, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे एंगेजमेंट बढ़ सकते हैं, यूके के साथ, कनाडा के साथ, वो सब चीज़ें जो हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। तो ये तो एक हमारा एजेंडा हो गया जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इंडिया की देखिए यूनिक पोजीशन आपको बता दिया कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में हम जो है, G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री एक्चुअली इक्वल स्टेचर पे होती हैं, उनकी वोटिंग पावर भी सेम सेम होती है ना, ये कोई IMF जैसे वर्ल्ड बैंक जैसे नहीं है, कोटा सिस्टम नहीं होता यहाँ पे, सब बराबर के अधिकार होता है। तो इसलिए जो है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडिया उसका फायदा यहाँ पे उठा सकता है। कैसे उठा सकता है? अभी जो कंट्री G20 का पार्ट नहीं है, जैसे बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री हैं, साउथ अमेरिकन कंट्री हैं, वो G20 का पार्ट नहीं, तो इंडिया उनको इन्वाइट कर सकता है। देखिए वो G20 का मेंबर तो नहीं है, लेकिन इनवाइट करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा कि वो जो कंट्री थोड़ी पीछे छूट गई हैं, वो भी हमारे साथ एंगेजमेंट उनका बढ़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ग्रीन इकोनॉमी है ना, ग्रेटर एक्सेस टू द ट्रेड, जो डेट स्ट्रेस चल रहा है, लोन प्रोग्राम जो चल रहे हैं, फूड एनर्जी क्राइसिस जो चल रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं अफ्रीका में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो G20 ओवरऑल कहने का मतलब यही है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म का इंडिया को फायदा उठाना चाहिए। मतलब ये सिर्फ बातचीत करने से कुछ नहीं होगा भाई, आपको एक्चुअली में स्टैंड लेना पड़ेगा। इंडोनेशिया में क्या हुआ, साल भर वो आ गए वहां पे, पार्टी वार्टी किया, चाय पिया, समोसा खाया और वहां से निकल के आ गए, एक्चुअली में ग्राउंड के ऊपर कुछ हुआ नहीं। तो इंडिया जो है ऐसा इसके उलट कर सकता है, तो सिर्फ टॉक शॉप नहीं बल्कि वर्कशॉप, मतलब उसको इम्प्लीमेंट भी करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इंडिया की जो है वो एक जो इंटरनेशनल जो रोल है इंडिया का, इंडिया का जो है क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो 75th हमारा अभी हम लोग इंडिपेंडेंस मनाया है, तो बहुत मीनिंगफुल एजेंडा है, इंडिया अपने आप को आगे रख सकता है एज अ ग्लोबल पावर, एज अ विश्व गुरु, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। तो लेट्स सी इंडिया इस यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी करता है, कैसे रशिया, अमेरिका, यूरोप के बीच में हम लोग ब्रिज बनने का काम कर सकते हैं, है ना, एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से नेक्सस चल रहा है चाइना और रशिया के बीच में और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, नाटो के बीच में, इंडिया कैसे इस चीज़ को टैकल करेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इंडिया बेचारा बीच में खड़ा हुआ है, हमें उधर से भी गाली मिल रही है, उधर से भी मिल रही है, या फिर हमें वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, है ना। इंडिया कैसे इस चीज़ को यहाँ पे करता है, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है कि नहीं, वो यहाँ पे काफ़ी कामयाब रही है। तो हम लोग किसी भी ग्रुप का पार्ट है नहीं, तो हमें उसका बेनिफिट भी मिलता है। तो ये तो हो गया दोस्तों आज का पूरा न्यूज़ पर एनालिसिस। बाकी कुछ एडिशनल आर्टिकल हमारे पास हैं, ये ज्ञानवापी वाला थोड़ा मैंने आपको बता ही दिया है, ये एडिटोरियल है, थोड़ा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, समय है, अदरवाइज नहीं समय है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है तमिल इशू, श्रीलंका वाला इशू जो इंडिया ने रेज किया है, थोड़ा पढ़ सकते हो अगर बस टाइम है तो। कल हम लोगों ने एडॉप्शन रूल्स के बारे में पढ़ा था, तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर दे दिया है, जिसमें जो है DM साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके पास पावर ज़्यादा चली गई है, तो कोर्ट के अंदर जो भी केस पेंडिंग थे वो भी DM के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, तो इसको पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो है कुछ नामों को रिकमेंड किया है अपॉइंटमेंट के लिए, वो सब चीज़ें, तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम बहुत पुराना टॉपिक है, तो इसको भी आई डोंट थिंक सो आपको हर बार पढ़ना चाहिए। तो यही आज के लिए, ठीक है, आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हो तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलता है। बाकी कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ, नए जोश के साथ, नया दिन नए टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।